तो देखिए, चार राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों का दिन और एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बीजेपी बड़ी जीत की ओर इस वक्त। जी हाँ, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 163 सीटों पर आगे चल रही है, राजस्थान में 114 सीटों पर आगे, छत्तीसगढ़ में बीजेपी 53 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। तेलंगाना के रुझानों में बीआरएस को झटका लगा है। कांग्रेस की सरकार तेलंगाना में, तेलंगाना के वजूद में आने के बाद पहली बार बनती नजर आ रही है। और देखिए, 2014 में तेलंगाना बनने के बाद जो तेलंगाना के प्रभाव में आने के बाद से ये दो बार केसीआर मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद अब कांग्रेस पार्टी 66 सीटों के साथ आगे चल रही है और सरकार बनाती हुई वहां पर दिखाई भी देगी। लेकिन बड़ी बात यह है, अनुराग की तेलंगाना वो राज्य जहां पर रेवंत रेड्डी जो है वो मुख्य भूमिका निभा रहे थे, और उधर डीके शिवकुमार की भी स्ट्रैटेजी कर्नाटक की स्ट्रैटेजी, कर्नाटक का फॉर्मूला काम आया। लेकिन कांग्रेस पार्टी को तीन हिंदी पट्टी के राज्यों में बड़ा झटका। जी हाँ ज्योति, 8 ऐसे राज्य हैं उत्तर भारत के, या कहिए पूरे देश के, अगर पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों को छोड़ दें, जहां पर बीजेपी और कांग्रेस का सीधा मुकाबला होता है, और उन 8 राज्यों में से अब 6 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी बढ़त बना चुकी है। सिर्फ 2 राज्य हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में ही कांग्रेस है। ये वो राज्य हैं जहां पर बीजेपी और कांग्रेस का सीधा आमने सामने का मुकाबला होता है। इसका जो व्यापक असर होगा वो 2024 में होगा। इसका बड़ा असर इंडिया गठबंधन में बार्गेनिंग को लेकर होगा। कांग्रेस पार्टी जब ममता बनर्जी से पश्चिम बंगाल में उम्मीद करेगी सीट शेयरिंग को लेकर, तो कांग्रेस का पल्ला कमजोर हो चुका होगा। वही स्थिति उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ होगी, वही स्थिति नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के साथ बिहार में होगी और बाकी राज्यों में भी होगी। और देखिए, 2 बड़े चेहरे जो राजस्थान में जीते हैं, वसुंधरा राजे सिंधिया, जिनको उस तरह से प्रोजेक्ट नहीं किया गया था जिसकी उम्मीद खुद वसुंधरा राजे सिंधिया कर रही थी। हालांकि ये एक बड़ी बात है अनुराग की, ये तीन वो राज्य हिंदी पट्टी के जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, और यहां पर कह दिया गया था भले ही रमन सिंह हो, वसुंधरा राजे सिंधिया हो, या फिर वसुंधरा राजे सिंधिया के अलावा अगर मध्यप्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की बात करें, तो ये लोग अपना काम कर रहे थे लेकिन चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सामने था। जबकि इसके इतर कांग्रेस पार्टी में ये राज्यों के जो नेता है उन पर छोड़ दिया गया था, भूपेश बघेल हो, कमलनाथ हो, उन पर छोड़ दिया गया था कि आप करिए, कोई स्ट्रैटेजी दिखाने वाला नहीं था, जबकि केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी का आपको रास्ता दिखा रहा था। यकीनन बेहद अहम बात आप ज्योति कह रही हैं, और इसको आप ऐसे भी समझ सकती हैं कि राजस्थान की अगर बात करें तो अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री हैं सिटिंग, जिनको पता है कि अगली बार अगर जीतती है कांग्रेस तो वही सीएम बनेंगे, वो 60 रैलियां करते हैं। वसुंधरा राजे जिनके नाम का ऐलान नहीं किया गया है, जिनको खुद नहीं पता कि अगर बीजेपी जीतेगी तो सीएम वही बनेंगी, वो भी 60 रैलियां करती हैं राजस्थान में। तो एक बड़ा मैसेज अनुशासन को लेकर, कैडर को लेकर, डिसिप्लिन को लेकर बीजेपी ने दिया। रंजना हमारे साथ जुड़ गई है, रंजना के पास चलते हैं, लेकिन उससे पहले बता दें कि राजस्थान में बीजेपी बड़ी जीत की ओर आगे बढ़ रही है। बीजेपी नेता दिया कुमारी ने कहा है कि राजस्थान बीजेपी की सुनामी चली है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं की तरफ, एक बड़ी जीत की तरफ भाजपा बढ़ रही है और एक बड़ी जीत की तरफ आप बढ़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खुशी की बात है और भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी बहुमत से सरकार बना रही है। इसकी जो गारंटी थी, क्या गारंटी का जादू चल पाया? बिल्कुल भी नहीं, फेल हो चुका गहलोत। आपको मुख्यमंत्री के चेहरे पर देखा जा रहा है, सबसे ज्यादा आपके तमाम समर्थक काफी उत्साहित है। ऐसा देखिए, ये पार्लियामेंट्री बोर्ड का डिसीजन होगा, टॉप लीडरशिप डिसाइड करेगी, अभी रिजल्ट आने दीजिए पूरी तरह से। आपकी सबसे बड़ी जीत होने जा रही है, बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा होता है तो मैं धन्यवाद देती हूँ विद्याधर नगर की जनता का, और राजसमंद जो मेरा संसदीय क्षेत्र है वहाँ भी बहुत अच्छी, हम लोग लगभग सारी सीटें जीत रहे हैं, तो बहुत खुशी की बात है। मोदी जी की पूरी तरह से सुनामी चली है। देखिए, मोदी जी की सुनामी चली है, काफी उत्साहित नजर आ रही है, दिया कुमारी तमाम समर्थकों के बीच में पहुंची है और इस समय सेलिब्रेशन शुरू हो चुका है। तो दिया कुमारी जिनको मुख्यमंत्री के संभावित उम्मीदवार के तौर पर भी लगातार उनके जो समर्थक है, कार्यकर्ता हैं, वो प्रोजेक्ट करते रहे, एक बार फिर ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी विकास चंद्रा इस वक्त भोपाल में मौजूद है, हमारे सहयोगी मधुरेंद्र इस वक्त बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में किस तरीके का सूरत हाल है, हमारे सहयोगी राज किरण इस वक्त हैदराबाद में है जहां कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ रही है, और रंजना सिंह राठौर को आप जयपुर में देख रहे हैं, किस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ता उत्साहित हैं, उनसे तमाम कार्यकर्ताओं से रंजना बात कर रही हैं। रंजना, कार्यकर्ताओं से अगर आप बात कर सकती हैं तो जरा एक बार बात भी कीजिएगा, और क्या आधार बीजेपी को लगता है अपनी इस जीत का, ये भी उनसे समझिए। रंजना, जोश तो आप तस्वीरों में ही देख पाएंगे क्योंकि यहाँ पर लोग इतने उत्साहित हैं, इतने देखिए कोई कटआउट के साथ है, कोई पोस्टर बैनर के साथ है, और ये देखिए कोई नाच रहा है, कोई झूम रहा है।
बड़ी जीत की ओर आगे बढ़ रही है, क्या कारण है उसका? भाई बीजेपी बीच मोदी जी कर रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं केंद्र में रास्ते में, पूरे केंद्र में जो जो मोदी ने केंद्र में रास्ते में किया है, देश के धर्म के लिए मोदी जी की सरकार आगे बढ़ रही है देश के धर्म के लिए। ठीक है, कई कई महिलाएं भी है, जरा उनसे भी बात करेंगे, महिलाएं जो है उनसे जरा बात कर लेते हैं थोड़ा सा। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है इस बार महिलाओं ने जो था वोट ज्यादा किया था, महिलाओं ने सबसे ज्यादा वोट किया है इस बार, क्या लगता है क्या बड़ा कारण है महिलाओं का इतनी बड़ी तादाद में वोट? क्योंकि महिलाओं का रैप किया गया, बहुत संख्या में रैप हुआ है और जला रैप करके पट्टी में डाल दिया, हाईवे के ब्रिज में डाल दिया, महिलाओं के बदवा कहीं तो लगेगी ना, इसलिए क्या बदलाव देखने को मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो क्या बदलाव देखने को मिलेगा? सबसे पहले हमें नारियों का सम्मान चाहिए, स्त्रियों का सम्मान चाहिए, इसीलिए हम भाजपा को लेके। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन, मुख्यमंत्री का चेहरा किसे देखते हैं? मुख्यमंत्री का चेहरा तो देखो जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है वही डिसाइड। एक पसंद, कोई एक पसंद? बालकनाथ, बाबा बालकनाथ। बालकनाथ आपकी पसंद मुख्यमंत्री के तौर पर? बताएंगे आप, बताइए। महिलाओं पे तो अत्याचार हुए ना, महिलाओं ने कमर कस ली थी, इस बार कांग्रेस मुक्त राजस्थान बनाना है। पेपर लीक में युवाओं का भविष्य से खिलवाड़ खेला गया है, युवाओं ने मानस बना लिया, कांग्रेस को उठाकर पहना है। महिलाओं में जो भाजपा जीती है तो मुख्यमंत्री कौन? आला कमान जो तय करेगा, हमारा जो आला कमान तय करेगा। रंजना, रंजना जरा बीजेपी के कार्यकर्ताओं से ये भी समझने की कोशिश कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में इस जीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कितनी बड़ी भूमिका उन्हें नजर आती है, मोदी फैक्टर ने कितना काम किया राजस्थान में? बिल्कुल, भूमिका तो डेफिनेटली अनुराग यहाँ पर दिख रही है कि यहाँ पर लोग जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के, इधर आइए थोड़ा सा आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि लोग कटआउट्स के साथ और ये देखिए मास्क पहन के घूम रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। आप ये बताइए, आप ये मास्क लगा के घूम रहे प्रधानमंत्री का, जीत बड़ी जीत की तरफ भारतीय जनता पार्टी राज्य में आगे बढ़ रही है, क्या इस चेहरे को बड़ा फैक्टर? मैम इसी चेहरे में सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी सिर्फ नरेंद्र मोदी, बिल्कुल नरेंद्र मोदी जी का काम, उनका निर्देशन और इन तीन राज्यों की प्रचंड जीत ने साबित कर दिया है कि अगला जो 24 का चुनाव है लोकसभा का, बीजेपी 400 सीटें क्रॉस करेगी। मोदी जी, ओनली मोदी जी। अनुराग देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर लोग जो है मोदी जी को ही मान रहे हैं जीत का इकलौता जिम्मेदार की नरेंद्र मोदी का चेहरा, क्योंकि मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर राज्य में। और देखिए रंजना, ऐसे ही ढोल नगाड़े भोपाल में बीजेपी दफ्तर में भी बज रहे हैं।